एक मजाज साहब का एक शेर है कि जमाने से आगे तो बढ़िया मजाज, जमाने को आगे बढ़ाना भी है। तो बेटी के बाप जैसा मैच्योर बनने की कहानी है एंड बाप का बेटी के जैसे थोड़ा इमेच्योर बनने की, कि वो उसके दोनों के अलग अलग प्लेन में है। और अगर आप देखेंगे जो दुनिया में बड़ी किताबें हैं, चाहे वो रामायण हो महाभारत हो, वो इसलिए नहीं बड़ी है कि उसमें कहानी है बहुत अच्छी, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक जीवन दर्शन है। शाहरुख खान के साथ काम करने का इरादा है, ऐसा कुछ है? ऐसा मुझे लगता है मुंबई शहर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं उतरता होगा। हाँ। जो मतलब वो फिल्म लाइन से उसका रिश्ता हो या ना हो, किसी भी फील्ड का हो, कि वो शाहरुख खान साहब के साथ कुछ समय व्यतीत करे। आज इंडिया की आवाज में हमारे साथ नई वाली हिंदी के लेखक हैं। उन्होंने कई सारी किताबें, बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं, जैसे आंखों बाको, शर्तें लागू, मुसाफिर कैफे, अक्टूबर जंक्शन। हाल ही में उन्होंने एक और किताब लिखी है जो कॉपी मेरे पास है, यार पापा, अभी हाल ही में रिलीज हुई है ये किताब। इसके अलावा PS1 PS2 के डायलॉग राइटर भी रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे। हम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये सवाल कितने दिनों बाद किसी ने पूछा है? क्योंकि यही सबसे जरूरी सवाल है। एक चीज जो कि हम लोग को काफी समझ में नहीं आई, ये नई वाली हिंदी का मतलब क्या है? तो हम लोग जब लिखना शुरू किया से ऑलमोस्ट 10 साल पहले, तो आए थे हम लोग, और ये था कि कैसे इस दुनिया में आए, जो कि एक हिंदी में परंपरा चली आ रही थी। मनोहर श्याम जोशी जी का एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें उन्होंने एक बड़ी सही बात एक लिखी थी कि हिंदी में पीठ ठुकवाने के लिए पैर दबाना पड़ता है, है ना। तो मुझे ये लगता था कि हम लोग तो पैर नहीं दबाएंगे और पीठ ठुकवाने का इंतजार भी नहीं करेंगे। तो हमें जो हम लिख रहे थे, चाहे जो हमारे जो जितने भी नए राइटर्स उस समय, तो एक हर समय की एक बेचैनी होती है जिसको कोई कैप्चर करना चाहता है। हम लोग जो हिंदी लिख रहे थे, हम चाहते थे सीधे जनता से, पाठकों से कनेक्ट करना, और लगे उनको कि उन्हीं के बीच का कोई कर रहा है। तो वो जो हिंदी थी, ऐसा कुछ भी नहीं बदला हमने। कई जैसे शुरू में थोड़ा कन्फ्यूजन रहा लोगों को कि अंग्रेजी के शब्द डाल दिए इसलिए, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी के शब्द डालने, जैसे आप नीलोत्पल मृणाल की अगर आप हिंदी देखिए डार्क हॉर्स में, वो हिंदी और मेरी हिंदी बहुत अलग है। जो अच्छा। उनका एक भदेसपना है वो बहुत अलग है। लेकिन हम दोनों नई वाली हिंदी में, क्योंकि हम इस समय में जब क्रिएट कर रहे हैं और नए तरीके से जब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पाठक से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस इमोशन को हमने नाम दिया, नारा दिया नई वाली हिंदी। और बवाल क्या हुआ कि उसमें मुझे याद है कि वर्ल्ड बुक फेयर में एक बहुत बड़ा स्टॉल जो हमारे पब्लिशर हैं शैलेश, अच्छा। के जो संस्थापक हैं, उन्होंने लगाया नई वाली हिंदी का। अब वो बड़ा बड़ा जब लाल नई वाली हिंदी किया, तो लोगों को लगा कि अरे कोई पुरानी वाली हिंदी भी है क्या। तो वहां से वो पिक हुआ। लेकिन बात ये थी कि अगर कैंटीन में जैसे हम बोलते हैं, हम लोगों ने हिंदी को भार मुक्त कर दिया एक तरीके से, कि आप एक लिखने वाली जो हिंदी अलग थी ना, कि ये लिख रहे हैं तो बड़ा ये गंभीर हो जाएगा, उसको हमने मुक्त कर दिया। हमने बिल्कुल वैसे बात की जो हमारा पाठक की जो दुनिया थी, क्योंकि यूथ को काफी अट्रैक्ट किया। तो जो पाठक की दुनिया थी, जो चाय की दुकान पे जैसे बात होती है, जैसे गांव की चौपाल पे बात होती है, हम लोगों ने उसको मुक्त कर दिया कि ये प्रोसेस्ड फॉर्म में यहाँ पे आ रही है। इतनी सारी किताबें लिखी, ये शायद 7वीं किताब है यार पापा, जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई। कैसी, मतलब इसमें किस तरह का जो उपन्यास आपने लिखा है, तो थोड़ा बहुत अगर आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। तो जो मैं अभी तक किताब लिख रहा था, हर बार एक कोशिश रही है उसमें हमेशा, कि एक मजाज साहब का एक शेर है कि जमाने से आगे तो बढ़िया मजाज, जमाने को आगे बढ़ाना भी है। तो जैसे पिछली इब्ने बतूती जो किताब थी, उसमें एक माँ और बेटे की कहानी, बहुत इमोशनल मैंने कोशिश की कि हम कहें। तो मैं ना हमेशा इस बात से बहुत, मुझे ये चीज बड़ा टच करती है कि आसपास जो ये दुनिया बदल रही है, कि जैसे ही 15-16 साल के जब बच्चे होते हैं, तो उन वो अपने पेरेंट्स से कटने लगते हैं, वो एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। बिल्कुल। वो चाहे वो रोज हालचाल होता है, फोन पे बात होती है, हाँ सब ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन फिर भी ना एक डीपर लेवल पे कटना शुरू हो जाता है, क्योंकि आदमी इंडिपेंडेंट होने लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी कहानी कहनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब प्लॉट अलग है कैसे कहानी कही जाएगी, लेकिन एसेंशियली मैं बात क्या कहना चाहता था कि आज के समय में एक बाप और एक बेटी का रिश्ता क्या क्या लेयर्स में चल रहा है, मैं उसकी बात कहना, क्योंकि हर बेटी हर बेटा अपने माता पिता से एक उम्र के बाद में होता है ना कि एक दूरी आ जाती है। तो उस दूरी की कहानी मैं कहना चाहता था, लेकिन उस दूरी की कहानी को पैकेज करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, कि वो केवल बाप और बेटी की कहानी नहीं हो सकती थी। फिर उसी में मैंने एक दोस्ती की कहानी भी सोचा कि इसको डाल के देखा जाए। और इस कहानी की अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से मैं बताऊंगा, तो जेनेसिस थी कि मुझे यह सपना आया था कि मैं अपने कॉलेज बुढ़े होके दोबारा पहुंचाऊं,
अच्छा, तो वो एक रैंडम ऐसे सपना आया था कि मैं अपने कॉलेज में, हम लोग बहुत बूढ़े हैं और बाकी सब लोग यंग दिख रहे हैं, वो मुझे जो सपना आया, तो मैंने वहां से फिर वो, और मैं इन सब चीजों में बहुत, मुझे भरोसा है कि जो सपने आते हैं आई थिंक कहीं ना कहीं वो कोई ऐसा तो नहीं कहीं बाहर से मैसेज आ रहा है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस ऑपरेट कर रहा है, तो वो मुझे बहुत सही लगा। तो मैं ये मोर एंड लेस इब्ने बतूती जैसा ही कुछ कोरिलेट है, क्योंकि इब्ने बतूती में वो था, मुझे एक लाइन अभी भी याद है, माँ जो कभी 18 बरस की लड़की थी, तो कुछ इस तरह से ही नहीं इसमें ना उस वो जो थी वो माँ के अलग नजरिए से देखने की एक बात थी, और यहाँ पे ना उससे आगे की बात है कि आप बाप को उस नजर से नहीं देख रहे हो, आप बाप को बाप की ही नजर से देख रहे हो, उसको उस एज की मैच्योरिटी से देख रहे हो। बात यह है कि क्या एक 20 साल का व्यक्ति जो बच्ची है, 20-22 साल की, और एक 50 साल का आदमी है, उनके बीच में इतने डिफरेंस है, वो क्या करीब आ सकते हैं, या हम जो रिश्ता एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ऐसा सब सही हो जाए। हम सारे लोग क्या सोच रहे हैं, हम जब सुबह उठते हैं ना कि आज सब ठीक हो जाएगा, और उस दिन भी ठीक नहीं होता है। तो ये कहानी उसी एक रैंडम दिन से शुरू होती है जब सब गड़बड़ है आपकी लाइफ में, और उसके बाद से वो कैसे आप आते हैं। तो पिताजी को पिताजी की नजर से ही देखा गया, दोस्त की नजर से नहीं देखा गया इसमें, लेकिन बावजूद उसके उसमें एक फॉर्मेलिटी भी है कि एक जो जैसे बाप बिहेव करते हैं, और उसमें जो बेटी है, अगर मैं उसको बहुत फिलोसफिकल लेवल पे सोचूं, तो बेटी के बाप जैसा मैच्योर बनने की कहानी है, एंड बाप का बेटी के जैसे थोड़ा इमेच्योर बनने की, कि वो उसके दोनों के अलग अलग प्लेन में है। फिल्मों की बात हो रही थी, एक चीज था, मतलब मुझे भी किसी ने बोला, मैं सोचा आपसे ही पूछ लूं, शाहरुख खान के साथ काम करने का इरादा है, ऐसा कुछ है? ऐसा मुझे लगता है मुंबई शहर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं उतरता होगा, हाँ, जो मतलब वो फिल्म लाइन से उसका रिश्ता हो या ना हो, किसी भी फील्ड का हो, कि वो शाहरुख खान साहब के साथ कुछ समय व्यतीत कर पाए। हाँ। तो वो हम सारे लोगों का, वो हम जब से देख रहे हैं फौजी से लेके जो भी उन्होंने किया, हर किसी का वो सपना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी ना कभी ऐसा कुछ हो कि कुछ ऐसी मेरी कहानी उन्हें कुछ पसंद आ जाए, और पसंद आए, हम लिखे सुनाए, वो बने या ना बने, उनके साथ समय व्यतीत करने का मौका मिले, ये बात हो कुछ वैसा हो। वो है कि हम जब, जैसे मेरी माता जी जब आई थी शुरू में बॉम्बे, जब मैं जब मुंबई वो आई, तो जब फिल्मों से कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं था ना कि मैं फिल्म के लिए आया था, तो वो मन्नत के बाहर उनकी फोटो है, तो अगर मेरे से कोई पूछे कि कोई एक ऐसी विश है छोटी मोटी, हाँ, तो वो ये है कि वो मन्नत के जो बाहर से फोटो है वो अंदर से बाहर हो जाए। अच्छा। तो एक तो अगर उतना मैं कर पाया, हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो खुशी अलग ही लेवल पे, और जितना मैंने उनके बारे में सुना, जितने मेरे दोस्त उनसे मिले हैं या जिन्होंने काम किया, वो जब आते हैं तो हवा बदल जाती है, जैसे उनका और बच्चन साहब कहने की, अगर वो है तो हवा वहां की बदल जाती है, एनर्जी बदल जाती है। आई एम श्योर कि उनके साथ जरूर मैं चाहता हूँ, हवा में बात की शायद यहाँ तक पहुंचे, कि उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ करना चाहूंगा, और अगर वो मुझे मौका देते हैं काम करने का, तो इतना तय है मैं 11 रुपए में वो फिल्म या वेब सीरीज जो भी है वो करूंगा, पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि पैसे ही बहुत उधार है, क्योंकि कई बार हम सारे सपने जो अब जी रहे हैं, वो सपने देखने का शऊर जो लोग सिखाते हैं उनमें से एक शाहरुख खान है। आपकी किताबों की ओर चलते हैं, जैसे अक्टूबर जंक्शन, 6 किताबें लिखी, ये 7वीं है यार पापा, लेकिन इसमें जो मुझे सबसे खास लगी अक्टूबर जंक्शन, 6 मैं पढ़ चुका हूँ, ये बाकी है, शायद ये उससे अच्छी हो नहीं पता, लेकिन अक्टूबर जंक्शन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, उसमें मैं तब एक डायलॉग भी है जो आप कह रहे थे कि डायलॉग लोगों को याद हो जाता है, मुझे वो चीज़ें कि दो लोग के कैरेक्टर के बीच में कॉन्वर्सेशन रहता है, लोग बनारस क्यों आते हैं, क्यों का पता नहीं, लेकिन ये पता है कब आते हैं, तो सामने वाला पूछता है कब आते हैं, जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता, ये एक डायलॉग था जो उसमें कन्वर्सेशन में, तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं। मुझे जब भी कोई स्टूडेंट या कोई भी दोस्त भी मिलता है, तो वो बोलता है कोई लव स्टोरी की अच्छी किताब बताओ, तो मैं उसको बोलता हूँ अक्टूबर जंक्शन। रिसेंटली दिव्या मेरी एक दोस्त है, उसको भी मैंने यही सजेशन दिया, उसने पढ़ के रिव्यू भी लिखा काफ़ी अच्छा। मतलब क्या, मतलब आप कहानियां कहाँ से बटोरते हैं ये इस तरह की? तो जो ये वाली लाइन है जो आपको, जैसे हाँ। ये लाइन जो आपको टच की है ना, ये मुझे ये कहाँ से आई होगी लाइन में बताता हूँ। हाँ। किताब लिखी है 2019 में आई है 1 जनवरी को, 2018-17 में आई थिंक उससे पहले से थी ये कहानी मेरे दिमाग में थी कि ऐसा कुछ। हाँ। क्योंकि हम लोग जब चलते हैं ना अपने शहरों से, तो वादा करके चलते थे ना कि अरे हम अगली दिवाली मिलेंगे, गर्मी की छुट्टी मिलेंगे, तो तब से था वो करें। लेकिन ये लाइन 2004/5 की बात है। अच्छा। तो मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था और मैं बनारस में, मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी, और मैं ये कहने के लिए आया था घर, और मेरे नंबर बढ़ते जा रहे थे हर सेमेस्टर में, 58% से मैंने शुरू किया था सेमेस्टर 1 में, फिर 62 हुआ, फिर अंत में 80
81% आया आठवें सेमेस्टर में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट लूज करता गया। तो जो आठवें सेमेस्टर से पहले मैं घर आया, तो मैं आया और मैं ये बात करना चाहता था कि मैं अब छोड़ना चाहता हूँ इंजीनियरिंग। ओके, तो क्या हुआ कि मैं एक दिन जिस दिन बात करने के लिए, तो वो बहुत बिजी थे बनारस में, फिर दूसरे दिन बहुत बिजी थे, तो रोज शाम को मैं वही दुर्गा कुंड पे, ऑफिसर्स कॉलोनी थी, तो वहां से दुर्गा कुंड से 5 रुपए लेता था, उस समय रिक्शा वाला 80 घाट ले आता था, मैं रोज 80 घाट पे बैठता था। और बनारस बड़ी कमाल की जगह है कि जब 3-4 दिन आप जब बैठ जाते हैं वहाँ पे, आप तो आपको ना टाइमलेसनेस होती है, जब आप बिल्कुल फुर्सत में रहे ना, जैसे 1-2 दिन में क्या मंदिर घूमेंगे, जाएंगे, चाय पियेंगे, ये कर लें, वो एक टू डू लिस्ट आप लोग लेके जाते हैं, अब बनारस में ना वो टू डू लिस्ट सब बाहर फेंक के आएंगे, क्योंकि वो अपने आप में शहर आपको रास्ता दिखा देगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जब मैं वहाँ 4th या 5वें दिन बैठा था, तो एक अंकल जो पड़ोस में थे वो पान खा रहे थे, और पीछे एक कोई यूरोपियन 1-2 महिलाएं जा रही थी, और एक नाव वाला किसी को स्पेनिश में कोई बात कर रहा था, इधर से कोई चाय वाला कुछ बोल रहा था, और इधर बीए ये जो आर्ट्स वाला जो कॉलेज है बीएचयू का, और वहाँ के कुछ लोग बनाते रहते, अगर आप 80 घाट पे देखिए। तो मुझे लगा ये 5 दिन से ऐसे ही हो रहा है, सेम चीज है, ऐसे अंकल पान खा रहे हैं, पीछे से ऐसे जा रहे हैं, हो रहा है। और मैं बहुत ही कंफ्यूज था, उसी मैंने जितने भी बड़े फैसले जीवन के लिए हैं उसी 80 घाट पे बैठ के लिए हैं, तो इसलिए वो लाइन वहां से निकली होगी कि वहां क्यों आते हैं। तो मैं 3rd दिन के बाद मेरे पास कोई वजह नहीं थी जाने की, लेकिन मैं जो 8-10 दिन रहा वहां, तो मैं रोज जाता था और बैठता था कि अब मैं आगे क्या करूं। और वो जो मुझे कहना था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैंने कहा ही नहीं, मुझे वहीं पे रास्ता दिखा कि नहीं, जब 7 हो गए 18 सेमेस्टर, तो फिर बाद में देखेंगे ना, बिल्कुल क्यों ऐसा। तो मुझे हमेशा से वो जादू की तरह लगा है 80 घाट, और मैं अभी भी जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं अकेले जाऊँ, कोई आसपास मेरे को ना मिले, मैं अपने आप वो आगोश में ले ले वो शहर। तो आप सोचिए 2004-05 में जो मेरा भोगा हुआ यथार्थ है, वो आगे जाके कहानी में ऐसे रैंडमली आता है, तो मैं ढूंढता नहीं हूँ, पता नहीं वो हो जाता है। तो ट्रैवल करते हो आप ज्यादा, मतलब इस तरह की कहानियां लिखने के लिए? नहीं, लेकिन मुझे लगता है ना कि जैसे ना कि आप जाके, जब मैं जाता हूँ, जैसे मैं बीच में गया रानीखेत लिखने के लिए, लोग जाते थे ना पहाड़ों में, वही इसीलिए लोनावला जा रहे हैं, मुझे पुष्पेश पंजी का बड़ा एहसान है मेरे पे, उन्होंने अपना एक उनका वहाँ पे है सेटअप, उन्होंने कहा आप जाके रहिए जितने दिन आपको जाके रहना है, तो वो बार बार मुझे उन्होंने 2-3 बार बोल दिया, तो मैं कहा चलते ही हैं। हाँ। मैं पूरी तैयारी के साथ कि अब यहाँ से कुछ ना कुछ महान वॉर एंड पीस टाइप निकल लिख के ही मैं निकलूंगा। हाँ। मैं वहां पहुंचा और मैं जितने दिन रहा वहां पे मैंने एक शब्द नहीं लिखा। ऐसे ही मैं एक बार गोवा गया लिखने के लिए, मैंने वहां पूरी बुकिंग कर ली सब, कि अब यहाँ 10 दिन रह के कुछ लिख के बाहर निकलेंगे, एक शब्द नहीं लिख पाया मैं अभी भी। वैसे घूमा सब कुछ है, लेकिन ना दोनों को मैं मिक्स नहीं करता, मुझे लगता है अभी भी जब घर का शोर हो रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, वैसा जीवन जैसे मैं पुराने समय में राही साहब लिखते थे कि दरवाजा भी खुला हुआ है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, मैं अभी भी उस फॉर्म में लिखता हूँ। लेकिन हाँ, घूमने जाता हूँ, और हमेशा घूमने जाने में मैं एक चीज अब इंश्योर करता हूँ कि मैं फिक्स ना करूँ चीजें। ओके, क्योंकि अगर आप फिक्स जब नहीं करते कि यही जाना है यही घूमना है, वो उस दिन सुबह क्या मन कर रहा है मैं उस पर बहुत डिपेंड करता हूँ, क्योंकि हम लोग अगर अननोन पे नहीं छोड़ेंगे तो हम लाइफ की पॉसिबिलिटी को मना कर रहे हैं। हम अगर जीवन पे नहीं छोड़ेंगे कि जीवन हमें क्या दिखाना चाहता है, तो हम एक तरीके से, वरना हम ना जाएंगे। कई बार मजा क्या होता है कि आप जिस नदी के लिए जा रहे थे, उस नदी के रास्ते में बहुत सुंदर कोई पगडंडी होती है जो किसी तालाब पे लेके जाती है या झरने पे लेके जाती है, तो अगर हम बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे तो हम कभी पगडंडी से उस झरने पे पहुंचेंगे। मोर एंड लेस आपने वन लाइनर बोल दिया, ये वन लाइनर वाला जो थ्योरी है, मैंने जब भी ये कहानियां पढ़ रहा हूँ, इसमें ये 4-5 पैराग्राफ के बाद या 2 पैराग्राफ के बाद वन लाइनर आता है, तो ये कैसे क्रिएट होता है मोर एंड लेस पूरा? वो मुझे लगता है मेरी जो रीडिंग, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट होता है वो वन लाइनर होता है। कई बार ये लगता है कि मैं वन लाइनर के लिए कहानी ढूंढता हूँ पहले मैं एक पूरी लिस्ट बना के। लेकिन मैं जब अपने कॉलेज में बहुत किताबें पढ़ने वाले फेज में था, तो मैं अगे से बहुत इंस्पायर्ड हुआ शेखर एक जीवनी में, और शेखर एक जीवनी अगर आप कभी किताब उठा के पलटेंगे तो उसमें बहुत लाइन्स हैं वन लाइनर। okay. स्कूलों में बना, सिरों में बनते हैं टाइप, और वो बना व्यक्ति, या जो युद्ध भूमि से भागता है पराजय से भागता है, उसे कदम कदम पे युद्ध भूमि और पराजय मिलते हैं, जब तक रुक कर टिक कर वो ये ना जान ले कि भागना नहीं है सामना करना है, तपस्या तब नहीं शुरू होती जब आप शांत नहीं बैठ पाते, तमाम तमाम लाइने। तो मुझ पे ना उन सबका, मैं वो वन लाइन जो होते थे ना, चाहे वो मुझे चांद चाहिए में एक लाइन थी कि जिंदगी अपने निकृष्टतम रूप में भी मौत के सर्वश्रेष्ठ ढंग से बेहतर है, तो मैं वन लाइन पे निशान लगाता था, अपनी एक डायरी मैंने मेंटेन करता था, उस डायरी में मैं वन लाइनर लिखता था। तो मुझे लगता था कि ये मैं किताब जो पढ़ रहा हूँ, एक कहानी एक चीज है, लेकिन जो वन लाइन है वो फिलॉसफी है उसकी। और अगर आप देखेंगे जो दुनिया में बड़ी किताबें हैं, चाहे वो रामायण हो महाभारत हो,
वो इसलिए नहीं बढ़ी है कि उसमें कहानी है बहुत अच्छी, वो इसलिए है क्योंकि वहां पे एक जीवन दर्शन है। वो इतनी हजारों साल जो किताबें इसलिए नहीं चलती कि उसमें केवल कहानी है, कहानी के दम पे नहीं चलती चीज। कहानी के साथ जो पैकेट होती है, जो फिलॉसफी उसके अंदर पड़ी रहती है, उस वजह से तो मुझे लगता था कि मेरे पास जो एक जीवन का एक विजन है अलग, वो गलत ही सही इवेंचुअली हो सकता है मैंने जो भी लिखा है गलत हो जाए, मेरे जीते जी गलत हो जाए, मेरे मरने के बाद गलत हो जाए, लेकिन जो लिखा है वो उस फिलॉसफी जो मैं देख रहा हूँ ना जिस तरीके से दुनिया, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो वन लाइनर वहां से आते हैं कि मैं अब ये देख रहा हूँ, तुम पता नहीं क्या देख रहे हो लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस ये, इसीलिए कई बार वो ज्यादा भी हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, जैसे दिवाली पे मेरे हम लोग नहीं अनार फोड़ते हैं सब जल, तो मेरे बच्चे ने देखा होगा दिवाली में अनार जलते हुए, हम लोग कहीं मुंबई में ही पवई के पास में एक आध फवारे हैं, तो हम लोग निकल रहे थे, जब छोटा था वो 4-4.5 साल का, तो उसने एकदम से उसको देखा और कहा कि अरे पापा ये पानी का अनार है। तो अब वो पानी का अनार पे मैं इतना पढ़ लिख के नहीं पहुंच सकता था, लेकिन एक बच्चा जो पहली बार उस दुनिया को देख रहा है उसने अनार को पानी से कनेक्ट कर लिया। मुझे ना ये पॉसिबिलिटी बहुत मजा देती है, और मुझे लगता है कि मैं इस वजह से जैसे वो बच्चे देखते हैं ना उस दुनिया को पहली बार को, जो धूप आती है पहली बार वो पढ़ते हैं धूप को पकड़ने, तो मैं अभी भी जब लिखने बैठता हूँ ना तो मैं बच्चे की तरह बैठता हूँ और कि मैं ये देख रहा हूँ इस दुनिया को। बिल्कुल, तो वहां से वन लाइन निकलते हैं, इसीलिए मैं नॉर्मली वैसे वन लाइन फॉर्म में ना एग्जिस्ट करें, लेकिन जब मैं उस मोड में रहता हूँ तो वो दिखने लगते हैं, वो दिखने लगते हैं तो लिख देते हैं। हम लोग तो जो दिख रहा है वही लिखना है ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि मन में कुछ बना रहा है, वो दिखता है सामने, वैसे ना जैसे लालटेन लेके और एक कदम पे जंगल का अगला कदम दिखता है, तो ऐसे ही दिखने लगता है, एक लालटेन चमक जाती है। कई लोग हिंदी के चेतन भगत भी कहते हैं आपको, कैसा लगता है ये? ये एक्चुअली एक आर्टिकल था कहीं पे, वहां पे आ गई थी। अच्छा, तो वहां से वो पिक हो गया। हाँ, क्योंकि काफी जगह हाँ, तो मैंने फिर क्योंकि ना, लेकिन मुझे लगता है जिन्होंने शुरू में जो जर्नलिस्ट मित्र लोग थे जिन्होंने वो आर्टिकल लिखे और अदरवाइज, तो उन्होंने ना वो कंपेयर जब किया था वो स्टम्प में किया था, क्योंकि चेतन बहुत बिकते थे अंग्रेजी में, तो उनके पास हिंदी में वो पैरेलल नहीं था उस समय। अच्छा, तो उन्होंने इस नजर से उसको लिखा था कि हिंदी में भी एक ऐसा राइटर पैदा हो गया है जो बहुत बिकता है, तो कंपैरिजन राइटिंग का नहीं था, सेल्स का था। सेल्स का, तो इन अ वे वो अच्छा ये लगता है कि भाई आपकी किताबें ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं, अच्छा लगता है। लेकिन क्या मेरा राइटिंग स्टाइल या जो राइटिंग की बात है वो उनके जैसी है? तो वैसा नहीं है। वैसे कभी तो, मिलना हुआ था? हाँ, मेरी है मुलाकात है, मेरी है बातचीत। फेवरेट राइटर कौन है वैसे आपका? फेवरेट मेरे हिंदी में मनोहर श्याम जोशी जी हैं, राही मासूम रजा हैं, जो बहुत है। इधर मैंने हिंदी के तो नहीं है, विमल मित्र जी की किताबें कुछ पढ़ी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो बहुत मतलब किताबें तो मैं रोज ही 4 पलटते ही रहता हूँ। तो इसलिए मार्केटिंग का आपने जिक्र किया, तो सवाल यही आता है कि हिंदी की किताबें बिकती ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट बहुत कम होता है, जैसे हिंदी के लेखकों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है फाइनेंशियली, तो अगर कोई हिंदी में लेखक है या लिखना चाहता है आगे, तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो कैसे पैसे कमा सकता है? तो हिंदी में अगर पैसे कमाना है ना, तो पहले तो आपको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जैसे जो किताब हम लोग लिखते हैं, किताब की अपनी एक लिमिटेशन है कि जैसे मेरे समय में 2-3 राइटर ऐसे हैं जो चलो किताब से भी लिख रहे हैं, लेकिन किताब आपको एक लेवल तक पहुंचाएगी, लेकिन किताब का फ़ायदा क्या होता है कि जब आप अच्छी कहानी लिखते हैं तो उससे एक तो फिल्म के राइट से लेके ऑडियो राइट से लेके वो किसी भी फॉर्म में वो जा सकता है वो तो, लेकिन किताब से अदर देन सर्विस हुई। अगर आप स्किल अपग्रेड कर लें अपना, जैसे मेरे राइटर्स रूम में जो मैं बहुत लोगों को सिखाता हूँ उसमें एक राइटर है साधना जैन नाम की, तो साधना ने पहली किताब मेरे राइटर्स रूम के अंतर्गत जूनियर पार्टी नाम की आई थी, उसके बाद से साधना ने राइटिंग ऐसे पिक की, कई सारे जो ऑडियो प्लेटफॉर्म है उनमें वो बहुत पॉपुलर राइटर हो गई है। ओके, तो अब वो क्या है कि मुझे बहुत उम्मीद है, एग्जैक्ट नंबर बताना सही नहीं रहेगा, लेकिन वो किसी भी आप सोचिए कि किसी भी बड़े शहर में ठीक ठाक नौकरी में जितना पैसा आता होगा, अब उतना पैसा उनको राइटिंग से आता है हर महीने, क्योंकि उन्होंने स्किल अपग्रेड कर लिया, क्योंकि एक डिमांड थी ऑडियो को लिखने के, एक अलग तरीके की आर्ट होती है, वो उन्होंने सीखा, उस अपने आप को अप्लाई किया और उसमें वो बहुत अच्छा कर रही है। तो हर महीने उनके 2-3 शो मैं देखता हूँ कि आते हैं, और वो एक देखिए एक किताब से वो जर्नी शुरू हुई थी, बिल्कुल, और वो जर्नी में एक कहीं पर उन्होंने एक स्किल लगा कि नहीं मैं ऑडियो में कर सकते हैं, तो अब तमाम आप एडवर्टाइजिंग से लेके स्क्रीन राइटिंग से लेके रेडियो से लेके धीरे धीरे अल्टीमेट चीज क्या है ना, देखिए आप किसी भी फील्ड में चाहे कोई भी हो, जो अगर आप उसमें अच्छे हैं तो आपको पैसा ढूंढ लेगा,
बात यह है ना कि आप हिंदी में लिखते हैं ये कोई स्किल नहीं है, हिंदी में आप एग्जैक्टली क्या चीज अच्छा लिखते हैं वो स्किल है। हाँ, जैसे सत्य व्यास की एक फिल्म भी बन गई थी 84 या कोई तो सीरीज बनी थी ना, वेब सीरीज, तो इस तरह की चीजें आप कहना चाह रहे हैं वो तो, लेकिन ये कि चूंकि मैं बस ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर आप ऑडियो में इतनी संभावना है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में ऑडियो पॉपुलर हो रहा है, लोग अब पढ़ना नहीं चाहते, ऑडियो में समरी में सुनना चाहते हैं, बट वहां पे ऑडियो में हर किसी का ऑडियो नहीं चल रहा है। जैसे हम, मेरा ही एक शो था पिया मिलन चौक नाम का, जो ऑडिबल पे बहुत नंबर एक रहा, वो रोमांटिक वाली कैटेगरी में 2023 में। तो उसमें बहुत सिंपल था ना कि जैसे ऐसे तो कई सारे शोज थे, आप रोमांटिक कहानियां कब से सुन रहा है पूरा दुनिया, लेकिन वहां पे बहुत एक छोटी सी चीज चेंज की थी हमने कि हर शहर में जो मीटिंग पॉइंट होता है तो उसको हमने पिया मिलन चौक नाम दिया, और वो पहले से नाम रहता है पॉपुलर, जैसे BHU में जो गर्ल्स हॉस्टल के पास वाला चौराहा है, या भोपाल में जो झील है, जैसे अलाहाबाद में कंपनी गार्डन है, जैसे लखनऊ में चिड़ियाघर है, तो यहाँ पे प्रेमी मिला करते। तो हमने कहा हम लव स्टोरी नहीं कहेंगे, हम इन मीटिंग पॉइंट की कहानी कहेंगे। तो एकदम से वही चीज नई हो गई और उस नई चीज की हमने कहानी की। तो लेकिन ये स्किल आप जान पाए कि इसको ऐसे देखना है, उस नजर के ही पैसे हैं अगर आप देखें। अच्छा, ये पूछा तो जो नई वाली हिंदी के जितने भी लेखक हैं, सत्य व्यास, आप हुए, आप लोग का भी एक ग्रुप है, निखिल हो गए, सब लोग एक ग्रुप हो गए, हाँ। तो इसमें क्या एक दूसरे से डिस्कशन भी होता होगा कैसे? नहीं, क्या नहीं, हम लोग का काफी रोज ही बात होती है, इनफैक्ट हम लोग का एक है ऐसा गैंग, उसमें कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ चर्चा चल रही होती है दुनिया दान जहान के बारे में। किसी ना किसी का कोई जोन ज्यादा एक्सपर्टीज होगी वन लाइनर में, एक दूसरे की, उसमें हम लोग सारे लोग एक दूसरे से, मतलब चाहे वो, इनफैक्ट वो सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी है पूरा, जो शैलेश ने, जो पब्लिशर है हमारे शैलेश भारद्वाजी, उन्होंने जो एक चीज बहुत अच्छा माहौल बनाया कि उसमें ना पूरा सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट उन्होंने कर दिया कि वो कवर से लेके हर कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर बहुत सारा, जो मैंने जैसा सुना है लोगों से कि आपकी किताब कहीं से आ रही तो कवर आएगा, बट यहाँ पे आप उस पर पूरा डिटेल देते हैं कि मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वो पूरी की पूरी चीज है कि किसी का ये बढ़िया है, जैसे किसी का लगता है कि अच्छा ये पार्ट इनका अच्छा है तो उस पर सजेशन हमने ले लिया। अब जैसे मैं बड़ा रश है मुझे कि निलोत्पल जिस तरीके से ह्यूमर क्रिएट कर लेते हैं, अच्छा, वो मैं कर ही नहीं पाता वैसा, है ना, कि वो उनका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत अलग किस्म का है ना। अच्छा, कि अगर आप चाहे किसी भी किताब में आप देख लीजिए, जिस तरीके से वो स्टेज पे जब जाते हैं तो ऑडियंस जिस तरीके से कैप्चर करता है, तो मुझे लगता है अगर मैं इसका 10% भी कर लूंगा तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगा। लेकिन आइडली जैसे होता ये भी हो सकता था कि अरे यार ये तो मैं तो नहीं कर पा रहा, लेकिन हम लोग एक दूसरे से ना जैसे वो बहुत हेल्प करते हैं कि अरे कि मेरी लिमिटेशन क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, तो हम कहाँ पे बीच में खेल सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक इस मामले में हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि ये ऐसा गैंग बनाया है शैलेश ने कि जहाँ पे एक दूसरे का लोग अच्छा ही कर रहे हैं अब। और ये मैं चाहता हूँ कि नजर ना लगे इस पे किसी की, कि वरना हम लोगों ने राइटर से आपस में लड़ने की कहानियां सुनी है कि जूते मिला दोगे, लेकिन आई एम श्योर वो ये बहुत अच्छा है कि हम लोग एक दूसरे को साथ में हम एक दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, समय हो चुका है, आपने भी हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब है यार पापा, इसकी प्राइस है 299 इसकी प्राइस है, हिंदी युग में प्रकाशित हुई है, तो आप लोग भी अगर पढ़ना चाहें तो ये नई किताब आई है तो आप लोग भी पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा।